ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.35% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਨਵੀਂ ਰੈਪੋ ਦਰ 5.44% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 5.75% ਸੀ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ, ਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.15% ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी आगे क्या होगा वो इनकमिंग डेटा के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके बारे में मैं अभी कोई इंडिकेशन देना नहीं चाहूँगा, लेकिन एग्जाम्पल्स आर देयर, प्रेसिडेंट्स है, ऐसे नहीं है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में जब रेट कट किया हुआ है पहले, तब 10-15 basis points रेट कट्स किया हुआ है पहले। इंक्रीज साइकिल में शायद किसी ने 35 basis points या नॉट मल्टीपल्स ऑफ 25 basis points शायद किसी ने नहीं किया है। तो ये मैंने जैसे एक्सप्लेन किया, जो इवॉल्विंग इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारा ग्रोथ का जो MPC का जो असेसमेंट है अबाउट डिमांड कंडीशंस, इन्वेस्टमेंट कंडीशंस, MPC के असेसमेंट के हिसाब से मैंने जैसे कहा कि 25% इनएडिक्वेट था, लेकिन उसके ऊपर आप करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मल्टीपल 50 basis points शायद थोड़ा ज़्यादा हो जाता, एक्सेसिव हो जाता। तो इसीलिए एक बैलेंस्ड कॉल लिया गया है। अभी इस मोमेंट में इकोनॉमी का रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए MPC ने यह फैसला लिया है।